नमस्कार दोस्तों, IR 3300 कैनन का जो मॉडल है 3300, उसमें कई बार कोड आते हैं बहुत से। तो एक ये कोड आपको जो मिलेगा 64, यानी इसको सिंपली आप क्लियर कैसे करते हैं वो मुझे नहीं पता। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ इसका परमानेंट, यानी वापस कभी कोड आएगा नहीं। तो आपको इसको क्या करना है, आप कैसे करते थे क्लियर वो भी बता देता हूँ मैं आपको। ये एडिशनल फंक्शन 28, एडिशनल फंक्शन आपके सामने सर्विस मोड पे आ गई मशीन। आप कॉपियर को ओपन करते, फंक्शन में जाते, क्लियर और एरर को क्लियर करके, इसको क्लियर कर दिया और ये आपका सोच रहे हो कि मशीन बंद ऑन ऑफ करेंगे तो चालू अपना काम हो जाएगा। लेकिन ये आपका तरीका गलत है। नया तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एडिशनल फंक्शन पे जाना है, 28 एडिशनल फंक्शन, फिर सर्विस मोड पे आएगी मशीन, कॉपियर पे आप जाएंगे, एडजस्ट पे जाना। आपको जो मेन रीजन है किस वजह से 64 आता है उसका मैं कारण बता रहा हूँ। फिर आपको डेवलप में जाना है। डेवलप पे जाने के बाद में आप चेक करेंगे कि देखिए आप नीचे की साइड 110 आ रहा है, तो 110 आ रहा है तो आप इसको थोड़ी संख्या बढ़ा दीजिए, जैसे 130 कर रहा हूँ मैं। जैसे आपकी यहाँ पे कोई छोटी संख्या है, जैसे 150 है फिर भी आ रहा है, तो आपको थोड़ी सी उसको बढ़ा लेनी है, जैसे मैंने बढ़ाई वैसे बढ़ा लेनी। फिर आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेना है एंड रीसेंट बटन पे क्लिक कर लेना है। आपको बाहर आ गए, फिर मशीन को करना है आपको ऑन ऑफ। तो दोस्तों ये जो सॉल्यूशन है वो आपका परमानेंट है, इसके बाद में आपका कभी भी 64 का जो एरर है नहीं आएगा इसमें, ठीक है दोस्तों। और इसको फिर क्या करना है, आपको यहाँ से ओपन कर लेना है, 64 का कोड आएगा दोस्तों तो आपका पेपर यहाँ फंसेगा। आप देख सकते हैं इस साइड में आपका जो पेपर है फंसेगा। इसको निकालने के लिए पहले आपको इसको नीचे करना है, फिर आपको यहाँ से इसको खींच लेना, तो ये आसानी से आपका पेपर बाहर आ जाएगा, वरना फट के अंदर रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर इसको आपको कर लेना बंद, और यहाँ से इसको बंद करने के बाद में इसको यहाँ से बंद कर लो, आपकी मशीन वापस वर्किंग मोड पे आ जाएगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इसी तरह की नई नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।